टीवी डिबेट के इतिहास का सबसे बड़ी शुरुआत ये है। थोड़ा सुना करो आप। लोग कर रहे हैं, आप जनता देख रही है नेताओं का असली चेहरा, सारे नेताओं का असली चेहरा। हम लोग हट रहे हैं। और आरएसएस आमूमन तौर पर ऐसी जगह जाके काम करता है जो डीप हो, जो इंटीरियर पॉकेट्स हो, जहाँ जाना दूसरों के लिए, मतलब पटना में आदमी मर जाए वहाँ आरएसएस और किसी एनजीओ को नहीं जाना चाहिए। आप आदमियों को, जानवरों को पानी निकाल दीजिए, पानी को आप पास में निकालिए। ठीक है सर, आपके बस की बात नहीं है। सैयद अब्दुल अब्बास हमारे साथ में। देखिए ये तो जग जाहिर है, नेता तो होते ही हैं लूटने के लिए, राजनीति की ही जाती है। सर नेता तो आप भी हैं सर, इसीलिए बोल रहे हैं नेता तो आप भी हैं। हम उनसे अलग कहाँ जाएंगे सर, आप भी लुटे रहे हैं सर, हम कहाँ जाएंगे इनसे बच के? अधिकार है आपका। अरे सर हमको भी शराब बांटनी पड़ती है, हमको भी पैसा देना पड़ता है। क्या कह रहे हैं सर, हम जो कह रहे हैं वो सच्चाई कह रहे हैं। आप सुनिए चाहे मत सुनिए, क्या कह रहे हैं सर, हमको भी वोट लेने के लिए पैसा बांटना पड़ता है सर, क्या हमको भी शराब बांटनी पड़ती है। ऑफेंस हो जाएगा सर, आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। हमको भी आप बना दीजिए क्रिमिनल ऑफेंस, जो सच्चाई है। आप मैं एक मिनट साथ में एक मिश्रा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आपका स्वागत है। साथ में एक मिश्रा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आपका स्वागत है। देखिए कामयाबी इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि प्राकृतिक आपदा के सामने सरकार की जो भी मशीनरी है या जो इनके कैलकुलेशंस होते हैं वो सब बहुत छोटे होते हैं। मैं आपको बताऊं, इसके पहले भी लगातार बाढ़ आती रही है, बीएमसी वगैरह पे हमेशा चर्चा होती है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बॉम्बे वगैरह हर बार बोलते हैं कि अब की बार हम तैयार हैं, और हर बार उनकी तैयारी जो है ध्वस्त हो जाती है नेचर के सामने। सवाल ये आज का नहीं है। मैं बिहार की ही अगर बात करूं तो यहाँ सबसे पहले देखिए सबसे दुख की बात क्या है, आरएसएस का कोई आदमी मुझे आपके किसी भी क्लिपिंग में नहीं दिखा। जो सबसे बड़ा आपने आपको सेवा करने वाली संस्था बताती है वो क्या केवल चुनाव? आरएसएस की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, किसकी जिम्मेदारी है? उसमें समाज सेवा किसकी जिम्मेदारी है? केवल वोट लेने के लिए जिम्मेदारी है आरएसएस? नहीं, केवल वोट लेने के लिए आप कैसे एक मिनट सर, सेवा की बात हो रही है यहाँ पे। सरकार और हर आदमी, कोई भी संस्था हो, एनजीओ हो, बात हो रही है बचाने की। चुनाव के पहले वोट लेना हो तब तो पन्ना प्रमुख बन करके आप घर घर पहुंच जाएंगे। मैं लालू प्रसाद यादव और हर पार्टी के अभी उनके ऊपर भी मैं बोलूंगा। देखिए यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है। मेरे कहने का मतलब आरएसएस अपने आप में इतनी बड़ी स्वयंसेवा संस्था है, अपने लोगों को भेज तो सकती है। अभी बनारस में इलेक्शन होगा तब देखिए लाइन लग जाती है, भीड़ लग जाती है। यहाँ ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, एक मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं जिन्होंने बोला था कि हम सड़कों को ऐसा बना देंगे, एक हीरोइन का नाम लेकर के, कि आपको लगेगा आप उसकी गाल पे चल रहे हो। ऐसे नेता जब रहेंगे 70 साल से, इन लोगों ने बिहार को लूट करके इन नेताओं के घरों में रुपए, सोने, चांदी, पैसों की बाढ़ आ गई और बिहार में ये पानी की बाढ़ आ गई। मगर आरएसएस की जिम्मेदारी है, ठीक है, समाज सेवा करना वो करती है, मगर जिम्मेदारी तो हर आदमी की जिम्मेदारी है। नहीं, जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना। जनता चुन करके सरकार को उस जगह पहुंचाती है, लोगों को उस जगह पहुंचाती है जहां सरकार उनके हाथ में होती है। ऐसे में जवाब देंगे गुलेशक जी। गुलेशक जी, एके मिश्रा जी ने कई सारे सवाल उठाए, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए यद्यपि मैं आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूं लेकिन स्वयंसेवक अवश्य हूं, इसलिए कहूंगा कि आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये पटना की देख रहे हैं, और आरएसएस आमूमन तौर पर ऐसी जगह जाके काम करता है जो डीप हो, जो इंटीरियर पॉकेट्स हो, जहाँ जाना दूसरों के लिए, मतलब पटना में आदमी मर जाए वहाँ आरएसएस और किसी एनजीओ को नहीं जाना चाहिए। केवल चुनाव के टाइम पे रैली में, गांधी मैदान में जाना चाहिए आरएसएस को, एनजीओ को या दूसरी पार्टियों के लोगों को। सर 16 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है। अरे सर एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, मैं एनजीओ की बात कर रहा हूँ, मैं स्वयंसेवी संस्थाओं की बात कर रहा हूँ, जो लोग चुनाव के टाइम पे वोट लेने के लिए निकल पड़ते हैं किसी भी पार्टी के। मैं बात की बहस नहीं करता, आप बोलने में उत्तर दूंगा। अरे आपने उत्तर क्या दिया सर? वो कोई उत्तर है जो आपने उत्तर दिया? ठीक है ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। ठीक है गुलरेश शेख, गुलरेश शेख, ठीक है गुलरेश शेख अपनी बात रखे। देखिए 16 से ज्यादा एक तो एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, तो 24/7 काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने खुद नीतीश बाबू से बात करी है, 3 दिन के बाद ट्वीट किया। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है वह उस पर दृष्टि केंद्रित ट्वीट। सर काम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो उस पर दृष्टि केंद्रित किए हुए हैं, वो जायजा प्रति घंटे के अनुसार ले रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है सरकार नहीं, तो इसीलिए तो सवाल है सर गुलरेश शेख। अब आप थोड़ी देर पहले पूछ गुलरेश शेख इसीलिए सवाल है क्योंकि आप सरकार में शामिल हैं, इसलिए आपसे सवाल है कि क्या 2008 में बांध नहीं टूटा पुसा का 18 लाख की आबादी महज 35 से 40 नाव, 2016 में बांध नहीं टूटा, 2019 में आपदा नहीं आई, क्या ये नहीं पता था कि सितंबर, जुलाई, अगस्त या इस बारिश के मौसम के अंदर ऐसी स्थिति हो सकती है? उससे बचने या निपटने के लिए आपकी तैयारियों पर ही तो मैंने सवाल किया है। नहीं, आप उससे पूछ रहे पता नहीं था, वास्तव में नहीं पता था क्योंकि 24 साल में ऐसा कभी मॉनसून नहीं आया। 24 साल का सबसे खतरनाक ठीक है आपको नहीं पता गुलेश शेख जी, आपको नहीं पता। मैं आपको थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि सर मैं आपको एक बात बोलूं, देखिए मैं 3 चीजें कड़वी चीजें बोलूंगा और सबको उसमें हमारी भी गलती कहीं मिलेगी, कहीं आपकी भी मिलेगी, कहीं सबकी मिलेगी। इस देश के साथ जो समस्याएं हैं, एक तो पॉपुलेशन ओवरग्रोथ जिस प्रकार से हो रहा है, जिस प्रकार से जमीनों पर कब्जा करके जहां नहीं कंस्ट्रक्शन होना चाहिए उस प्रकार से अवैध कंस्ट्रक्शन होता है, तो क्या हम इन चीज को नहीं मानेंगे? हाँ, ये बात सारी बातें आपकी सही, स्वीकार क्यों नहीं करते सर? शहर की गलती हो रही है। एक मिश्रा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। सर देखिए गुलरेश शेख साहब मैं आपको एक चीज गलती सभी की हुई है, अरे तो सुनिए ना सर, नहीं बोलूंगा ये आप सुन लीजिए। सत्ता में है तो हम सर सबकी गलती हो गई, मैं मान लेता हूँ। मैं इतने सारे विजुअल देख रहा हूं, मैं बोलता हूँ कि जब आपदा प्रबंधन आपकी पार्टी इन सब मामलों में बड़ी एक्टिव रही है, ना तो किसी को ब्रेड बटते हुए मैं देख रहा हूं, ना मैं ये देख रहा हूं कि लोगों को निकाल के नावों से सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया जाए, फूड वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर किया जाए, वो चीज़ें भी नहीं रही। आप फोटो में विदेश की दिखा रहे हो, जरा ये भी तो बताइए कि विदेश में प्रबंधन कैसे होता है। टॉर्नेडो वहाँ पर भी आते हैं, हरिकेन वहाँ पर भी आते हैं, वहाँ की सरकार कैसे चुस्त रहती है, किसी की भी सरकार हो। यहाँ पर मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, ना आपकी ना किसी और पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे व्यवस्था की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। बहुत सारे चीज़ों में आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, स्पेशली अगर चुनाव की बात हो। मैं बोलता हूँ इतने बड़े बड़े अनुषांगिक आपके जो है संगठन है बीजेपी का, आरएसएस और उसके बाद क्या क्या है, सारी चीज़ें हैं। लोगों को कम से कम इतना तो करा दिया जाए, ठीक है पानी जब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन प्रॉपर वे में खाना तो पहुँचा दिया जाए, दवा तो पहुँचा दिया जाए, जान माल की सुरक्षा तो हो, वो चीजें नहीं हो रही है। बस ये चीजें हो रही है कि अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है सर, हमारे साथ में जदयू के नेता और प्रवक्ता सैयद अब्दुल अब्बास जी भी जुड़े हुए हैं। गुलेश शेख साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। पानी निकासी आप मान के चलिए, इतना विकसित नेताओं ने देश को इतना विकसित नहीं किया है। आप सब पटक में पानी नहीं निकाल पाओगे, अरे आदमियों को आप निकाल दीजिए, पानी बाद में निकालिएगा। आप आदमियों को जानवरों को पानी निकाल दीजिए, पानी को आप बाद में निकालिएगा। ठीक है सर, आपके बस की बात नहीं है। सैयद अब्दुल अब्बास साहब हमारे साथ में। ठीक है गुलरेश शेख जी, क्या ये मान लिया जाए कि जो सिस्टम है पीएम मोदी के स्मार्ट सिटी वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के भी सजग नहीं है? देखिए ऐसा नहीं है, काम की जगह पर काम हो रहा है, लेकिन इस देश में बहुत सारे काम हैं वो जो सब एक साथ चल रहे हैं। सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन ये बात सच है कि सिस्टम और तेज काम करना चाहिए, वो करवाएंगे उसको नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, जब बार आप देखिए होता क्या है, समय पे समय बीतता गया। सारी पार्टियों का लीजिए, 70 साल हम लोगों को हो गए आजादी होने के बाद। अभी आप बता रहे हो टाउन प्लानिंग का मैप नहीं है। पटना जबकि अपने आप में कितना ऐतिहासिक शहर है, पाटलिपुत्र है, और ऐसा भी नहीं है ये पटना या बिहार हमेशा से ही बाढ़ की आशंका से ग्रस्त एक एरिया रहा है। कई बार तो ऐसा भी होता है बिहार में या इंडिया में बारिश नहीं होती, नेपाल में बारिश होती है, एक चीज तो सारा का सारा पानी बिहार में आ जाता है। ठीक है, एक मिश्रा से समझना चाह रहे, सरकार बचाव कर रही है, सरकार के साथ में जो गठबंधन में शामिल है वो बचाव कर रहे हैं। आखिर होना क्या चाहिए? शुरुआत बहुत निचले स्तर से करना पड़ेगा, बुनियादी चीजों को लेकर के नक्शा तक नहीं बना है, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब ठीक होगा कैसे? नहीं, होना तो ये चाहिए ना, सबसे पहले तो पब्लिक को चाहिए। देखिए मैं आपको बोलूंगा, बार बार बिहार में उसी तरह ये जितने नेता लोग बैठे हैं ना, उनके घर में बाढ़ नहीं आई होगी, आप देखिएगा। नहीं, नेताओं के यहाँ भी आई। नहीं, रामलाल पासवान का घर डूब गया, बहुत सारे लोग ऐसे, क्या घर डूब गया उनका? वो तो दिल्ली में बैठे हैं, अगर दूसरी तीसरी मंजिल है उनकी, वो दूसरे मंजिल पे उनका एसी आज भी चल रहा होगा, जनरेटर आज भी चल रहा होगा। कौन सा नेता इस तरीके से विजुअल में कोई दिख रहा है जैसे बाढ़ में ये रिक्शे वाले और ये लोग दिख रहे हैं? फजील अहमद, तो सवाल हमें वहां से जो कार्यान्वयन करने के लिए जो अधिकारी है, जो नेता लोग हैं, उन्हीं लोगों ने मिलकर के बिहार को लूटा है 70 सालों में। फजील अहमद साहब, देखिए ये तो जग जाहिर है, नेता तो होते ही हैं लूटने के लिए, राजनीति की ही जाती है। सर नेता तो आप भी हैं, सर इसीलिए बोल रहे हैं, नेता तो आप भी हैं, हम उनसे आगे कहां जाएंगे? सर आप भी लुटेरे हैं, सर हम कहां जाएंगे इनसे? जनसिद्ध अधिकार है आपका। अरे सर हमको भी शराब बांटनी पड़ती है, हमको भी पैसा देना पड़ता है। क्या कह रहे हैं सर? हम जो कह रहे हैं वो सच्चाई कह रहे हैं, आप सुनिए चाहे मत सुनिए। क्या कह रहे हैं सर? हमको भी वोट लेने के लिए पैसा बांटना पड़ता है सर, क्या हमको भी शराब बांटनी पड़ती है। क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा सर, आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा, आप बना दीजिए क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। हमको भी आप बना दीजिए क्रिमिनल ऑफेंस, जो सच्चाई है। आप मैं एक मिनट क्या डिबेट के इतिहास एक सेकंड फजील अहमद साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपको चुनाव में पैसे बांटने हमको नहीं, सबको पूरा पॉलिटिकल सिस्टम पूरा पॉलिटिकल सिस्टम भ्रष्टाचार के लिए ही बना है। आप ये क्यों पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, आप सुनिए, आप चुनाव अभी हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है, नहीं आप बताइए हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है बिना पैसा के हो जाएगा? आप ये सच्चाई को क्यों नहीं आप लोग एक्सेप्ट करते भाई? अगर सच्चाई आप नहीं पता कि चुनाव कैसे होता है, मिश्रा जी आपके पास 25 करोड़ रुपया नहीं होगा तो आप चुनाव लड़ पाएंगे क्या? ऐसा भी उदाहरण है, एक मिनट सुनिए। आप लोगों के सर भाजपा भी बांटती है, आरजेडी भी बांटती है, कांग्रेस भी बांटती है, कोई नहीं बचा। आप भी चुनाव लड़ेंगे, ठीक है सर। अगर एक नेशनल टेलीविजन पर बीजेपी में कोई ऐसा बोल देता तो आप सब उसके पीछे पड़ जाते। अरे सच बोलने की ताकत सबके अंदर नहीं होती है, सच सब कोई नहीं बोल पाता, सच बोलने वाले करोड़ों में एक होते हैं। बीजेपी में से अरे सर आप भी शराब बांटते हैं, आप भी पैसा बांटते हैं, आप क्या बिना पैसा के चुनाव लड़ लेते हैं? भ्रष्टाचार सारे नेता एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, बिना भ्रष्टाचार किए आज राजनीति होती है। पॉलिटिक्स जो है अब ऑर्गेनाइज बिजनेस है। टीवी डिबेट के इतिहास का सबसे बड़ी स्वीकारोक्ति ये है, थोड़ा सुना करो आप, लोग कर रहे हैं। आप टीवी डिबेट के इतिहास का सबसे बड़ी स्वीकारोक्ति ये है, थोड़ा सुना करो आप, लोग कर रहे हैं। आप सुनो ना, आप कहाँ बेचैन हो रहे हैं? हम अपने ऊपर ले रहे हैं, अरे हम डूब रहे हैं इसलिए बेचैन हो रहे हैं, शराब पीते हो आप, इसलिए पैसा मांगते हो, इसलिए डूब रहे आप, हम डूब रहे हैं इसलिए हम बेचैन हो रहे हैं। आप जातिवाद करते हो, आप जात के नाम पर वोट देते हो, इसलिए डूब रहे हो, आप भ्रष्टाचार बढ़ाते हो। किसको किसको रोक सकते हैं? पब्लिक ये लोग हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कश्मीर के अलावा कुछ नहीं जानते। आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, अभी सभी पार्टियों ने एक्सेप्ट किया कि आप लोग पैसा बांट के चुनाव जीतते हो। सारी बीमारी की जड़ ये पार्टियां शुरू करती है, पैसा बांटेंगी फिर सरकार से वही पैसा लूटेगी अपने नुकसान को भरपाई करने के लिए। ये कौन सी नई बात है? क्या आप नहीं जानते क्या? मैंने तो ऐसा कभी प्रवक्ता नहीं देखा बोल रहे, कौन सी नई बात है? साहब चुनाव नहीं लड़े, जब्बार भाई को नहीं पता, किसको नहीं पता देश के अंदर? अरे सर ठीक है 25 साल ठीक है, तो क्या वो पैसे जो सरकार को इस पर खर्च करना चाहिए था, जो पैसे ड्रेनेज सिस्टम पर खर्च होना चाहिए था फजील साहब, वो पैसे चुनाव में खर्च किया? ठीक है, लोगों को जो खुल के बोल रहे हैं कि ये शराब बांट के चुनाव जीतते हैं, ये चुनाव में शराब बांटते हैं, पैसा बांटते हैं। गुलरेश शेख ये फजील साहब ये कह रहे हैं, फजील अहमद ये कह रहे हैं कि चुनाव आपके टीवी चैनल में अच्छा लग रहा है क्या? अरे सर हमारे टीवी चैनल पर आप सारे लोग एक्सपोज हो रहे हो, अच्छा लग रहा है। सुनिए सर, आप देश को अच्छा लग रहा है क्या? इतिहास में पहली बार इतना बड़ा खुलासा स्वीकारोक्ति हुई है सर कि पैसा बांट के चुनाव जीतते हैं। अरे मिश्रा जी कभी चुनाव लड़ के देखो आप, बाद उसकी रिकवरी हम करते हैं। गुलरेश शेख, एक एक सेकंड गुलरेज शेख, फजील अहमद साहब का ये कहना है कि जो पैसे ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए फजील अहमद एक सेकंड, गुलेश शेख ये कह रहे हैं कि जो पैसे विकास के कार्यों पर खर्च होने चाहिए थे वो पैसे चुनाव में खर्च कर दिए। ये जो बिहार की जनता डूब रही है उनके आपका एक सेकंड फजील साहब जनता देख रही है नेताओं का असली चेहरा, सारे नेताओं का असली चेहरा। हम लोग हट रहे हैं, जनता देख रही है नेताओं का असली चेहरा, सारे नेताओं का असली चेहरा। हम लोग हट रहे हैं, एक सेकंड सर लाने दीजिए मुझे। अरे सर जवाब तो दे दो, फजील गुलरेज शेख जवाब तो दे दीजिए। वह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू की पार्टी या तभी सभी पार्टियां जो विकास कार्यों के लिए पैसा है उसको चुनाव में खर्च कर देती है, तो बिहार के लोगों का पैसा आप लोगों ने चुनाव में खर्च कर दिया इसलिए बिहार आज डूब रहा है। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, उस प्रवक्ता के हैसियत से इनको कह रहा हूँ कि यदि इनके पास इतना सा भी तथ्य हो तो आप एक काम करें, आप PIL डालें भाजपा के खिलाफ। अरे सर जो मोटरसाइकिल नहीं थी जिसके पास आज जहाज से घूम रहा है कहाँ जा रहा पैसा, आप अपना डिस्क्लोज क्यों नहीं करते? आप में अगर औकात हो, आपके पास कुछ सच्चाई हो, कुछ भी तथ्य हो तो आप या तो कोर्ट में जाए वरना झूठी बात। अरे हमको कोर्ट में नहीं, हमको जनता की कोर्ट में। ठीक है सर जनता को जगाना है, ऐसा ही सच बोलना है चाहे अंजाम जो भी हो जाए। ठीक है सर, बोलेंगे। अरे सर बोल रहे हैं और यही करके मजा ले रहे हैं पूरे देश का। मिश्रा जी पूरे देश की हाल है, अब यार चेन्नई में नहीं सर, अगर ये पूरे देश की हालत है तो मैं तो इस चीज को बोल रहा हूं। ठीक है सर, जरा सा ठीक है, चर्चा के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं, जरा सा मैं कुछ पॉइंट वाइज सवाल मैं करूंगा। हमारे साथ अगर जेडीयू के नेता प्रवक्ता फजल अब्बास साहब जुड़े हुए हैं तो मुझे बताया जाए। मेरा सवाल आपसे गुलरेज शेख ये है कि 2019-20 का बजट 4428 करोड़ रुपए रहा, जिसमें से करीब 3200 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिहार में खर्च होने थे मगर वो पैसे खर्च नहीं हुए। भाषा पे संयम रखें। ये भी हो सकता था कि देश जो है वो शायद बिहार की हालत में पहुंच गया होता अगर आपसे ज्ञान लिए होते। ये भी हो सकता था ना कि पूरा देश ही आपने बिहार बना दिया होता, डूब गया होता जैसे आज डूबा है। आप चुपचाप मुंह पे उंगली रख के बैठे या वॉकआउट करें। अरे आप सब हम तो कह रहे हैं सर, आपने कहा ना क्या, आपने कहा कि आप पैसे बांटते हो, आपने कहा ना सर कि आप पैसे बांटते हो, आपने कहा ना सर कि आप पैसे बांटते हो। ठीक है सर, आखिरी कमेंट। ठीक है सर, ठीक है सर, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है सैयद अफजल अब्बास साहब, ठीक है एक सेकंड सर, सैयद अब्बास साहब आखिरी कमेंट, क्या आश्वासन दे रहे हैं बिहार की जनता को, पटना की जनता को? मेरे ख्याल में उनसे संपर्क टूट गया, मगर गुलरेज शेख जी आखिरी कमेंट। जो कर सकते हैं कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। देखिए बिहार की ये तस्वीरें बताती हैं कि मैनेजमेंट का दंभ भरने वाले ये राजनेता कितने सक्षम है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कम से कम आप कुछ हो या ना हो खाना तो पहुंचा दीजिए लोगों तक, लोगों को निकाल तो लीजिए, उनके मवेशियों को बचा तो लीजिए। जब ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये सारे नेता लोग मिलकर विकास क्या करेंगे? अभी इन लोगों ने स्वीकारोक्ति की है, अगर ये योग्य नहीं है तो ये रिजाइन करके हटे ना। चलिए।